बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे पास बोर्ड है मैकमीत का PCB F1 वाला बोर्ड है, और इसका दूसरा नंबर आता है F35AB-19। तो इस बोर्ड में हम जो है सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के बाद चेक करेंगे इसका IGBT यानी कंप्रेशर वाले सेक्शन को, और देखते हैं यहाँ पर गेट पे क्या रहेगा और कलेक्टर पे क्या रहेगा, एमीटर पे क्या रहेगा, किस तरह से चेक करा जाता है इससे। आइए शुरू करते हैं। एक वायर ये है, ब्लू वाला वायर है, तो इस पर लिखा है न्यूट्रल, इस पर एन लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल का वायर है। और दूसरा वायर है आपका ये वाला वायर है ये वाला, और इस पर लिखा है एसी लाइन। आप देख सकते हैं एसी लाइन इस पर लिखा हुआ है। तो इन दोनों वायरों को हमने ये सप्लाई दे दी है, कनेक्टर जोड़ लिया है, इसको हमने कनेक्शन कर दिए हैं इसके फेस और न्यूट्रल को, और अब हम बोर्ड पे ऑन करते हैं और बोर्ड को सप्लाई दी और ये बल्ब जलकर बंद हो गया, और आपको आवाज़ आई होगी कि रिले ऑन हो चुकी है। एक बार और देखें रिले की आवाज़ को, ठीक है, तो ये रिले ऑन हो गई। ये इस सेक्शन को चेक करना है कि यहाँ पर 320 वोल्ट सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, कलेक्टर का हाल क्या है, गेट पर यहाँ वोल्टेज आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, तो ये चेक करना है हमको। डीसी की रेंज पे सेट कर लें मल्टीमीटर को आप, और एक प्रॉब को जो ब्लैक वाली प्रॉब है अब परमानेंट यहाँ लगा लेते हैं हम इस जगह पर, ठीक है, ये नेगेटिव पे हमने प्रॉब लगा ली है। अब ठीक है, इससे हम अब चेक करते रहेंगे रेड वायर से। तो इसे ऑन किया हमने, पहले सबसे पहले हम यहाँ देख लें कि हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है, कि ब्रिज रेक्टिफायर पर सप्लाई कितनी बन रही है। तो यहाँ देखा वोल्टेज बनना है 293, ठीक है। अब ये सप्लाई जो जाएगी वो इस हमारे शॉर्ट की डायोड रेक्टिफायर के पास आ जाएगी, ठीक है, इंडक्टर के ज़रिए से यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर वोल्ट है हमारे 294, तो यहाँ पर आ गई ये 294, ये है आपका, ये साइड इसकी एनोड होती है 294, और ये रहा कैथोड, कैथोड पर है 296, और कैथोड से सप्लाई जाती है IGBT के कलेक्टर पर। तो IGBT का जो कलेक्टर है वो ये वाला रहा, बीच वाला, तो 297 सप्लाई इस पर आ रही है, ठीक है जी। ये हाई सेट का है तो इसलिए यहाँ पर इतनी सप्लाई आ रही है कलेक्टर पर, ठीक है, हाई सेट के कलेक्टर पर आ रही है, ये कलेक्टर पर आ रही है सप्लाई, ठीक है जी। इसका दूसरी सेट में जो एमीटर है तो वो वहाँ पर ग्राउंड आ जाएगा, एमीटर ही ग्राउंड से कनेक्टेड है, तीनों ये ग्राउंड से कनेक्टेड हैं। मैं एक IGBT हाई सेट का है और एक IGBT लो सेट का है, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक फेस को बनाते हैं, तो इस तरह से इसके अंदर तीन फेस बन जाते हैं। अच्छा, इसको ऑपरेट कराने के लिए, इन IGBT को ऑपरेट कराने के लिए इसके बैक साइड में एक ड्राइवर IC लगी होती है, ठीक है, वहाँ से 6 सिग्नल आएंगे यहाँ पर, तीन लो के लिए, तीन हाई के लिए। लेकिन जब तक PCB के साथ में कंप्रेशर लगा हुआ नहीं है, इस PCB के साथ में पूरा सेटअप तैयार नहीं है, तब तक यहाँ पर इसके गेट पर वोल्टेज नहीं आना चाहिए, IGBT के गेट पर वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो IC को ख़राब माना जाएगा। अब जैसे इसका गेट कहाँ पर, इसका गेट ये वाला रहा लो साइड का, ठीक है, गेट इसका ये रहा लो साइड का, तो ये वोल्ट नहीं है, ठीक है, इसका गेट ये रहा, वोल्ट नहीं है लो साइड में, नहीं है। ये क्या, यहाँ पर ड्राइव आएगी, कब आएगी, जब कंप्रेशर इससे जुड़ा हुआ हो। लीजिए कोई आपका IGBT ख़राब हो गया और आपने IGBT चेंज किया या करने जा रहे हैं IGBT चेंज, तो IGBT को चेंज करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि गेट पर इसके कोई बोल्ट तो नहीं है, मतलब 2, 4, 6, 5 बोल्ट तो ऐसे नहीं है। अगर ये बोल्ट हुए और आपने IGBT लगा दिया तो ये IGBT ख़राब हो जाएगा, IGBT कोई सा भी हुआ वो ख़राब हो जाएगा। तो ये कन्फर्म कर ले कि विदाउट कंप्रेशर इसकी गेट पर कोई भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हाई साइड के आईजीबीटी का एमिटर, यानी कि ये, और लो साइड के आईजीबीटी का कलेक्टर, यानी कि ये, तो ये दोनों आपस में, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तब जाके फेस बनता है। तो आप यहाँ देखें, अभी विदाउट कंप्रेशर जो है वो ये बोल्ट आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग। इसी तरीके से यहाँ देख लें आप, इसका एमिटर और इसका कलेक्टर आपस में मिलकर फेस बनता है। तो ये फेस के लिए वोल्टेज हैं, ये वोल्टेज हैं। आप देखेंगे कि ये जो जाता है कंप्रेशर की तरफ जाता है, ये कनेक्टर, ठीक है, ये कंप्रेशर की तरफ जाता है। ये वोल्टेज लगभग बराबर आने चाहिए सब जगहों पर, ठीक है। तो ये तभी आएंगे जब ये सही हो। तो हमें उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और देख लें कि एक प्रॉप को हमने इसके नेगेटिव वाली साइड पर लगा लिया है, और यहाँ चेक कर रहे हैं तो ये 290 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद ये वोल्टेज जो है, ठीक है, और कैथोड से इसके हाई साइड के कलेक्टर पर, तीनों के कलेक्टर पर मिलेंगे आपको, ठीक, सेम वोल्टेज। इधर 0 वोल्ट आएंगे क्योंकि ये एमीटर है, एमीटर पे यहाँ कुछ नहीं आना चाहिए वोल्टेज, ये ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। अब इसका एमीटर, इसका कलेक्टर आपस में मिले होते हैं, जो कि ये वोल्ट बनते हैं। यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहे हैं, जो यही वोल्टेज जो है 3 पॉइंट बने होते हैं, तो इस पर ये रिसीव हो जाएंगे आपको, ठीक है। अब इस आईसी के बारे में बात करेंगे। आईसी बड़ी अहम होती है, जो आईजीबीटी हैं लगे हुए, तो उनके गेट पर ये ड्राइव प्रोवाइड कराती है, और इसके बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जनाब, ये जो आईसी है, सबसे पहली बात, 15 वोल्ट पर, 15 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, ठीक है। और अक्सर देखा गया है कि जब इस बोर्ड के अंदर, इस पीसीबी के अंदर 15 वोल्ट में शॉर्टिंग होती है, तो वो कई बार 15 वोल्ट की शॉर्टिंग इस आईसी के अंदर निकलती है, और इस आईसी को बदलने पर ही 50 वोल्ट शॉर्टिंग दूर होती है। तो इस आईसी की जो पिन नंबर 1 होती है, वो वीसीसी की पिन होती है, यहाँ पर 15 वोल्ट सप्लाई आती है पिन नंबर 1। और पिन नंबर जो 12 है, वो होती है ग्राउंड की पिन, यानी कि वीएसएस की पिन होती है। तो पिन नंबर 1 और 12 आपस में इंटरनल रूप से जुड़ जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से 15 वोल्ट की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी 15 वोल्ट सप्लाई शॉर्ट हो तो इस आईसी को ज़रूर चेक करिएगा। ओके, इस आईसी की पिन नंबर 2, 3, 4, ये तीन पिन जो होती हैं वो हाई साइड की इनपुट पिन होती है, यानी कि जो सीपीयू होता है, एमसीयू होता है, उससे यहाँ पर 3 सिग्नल आएंगे हाई साइड के। बीच में रेजिस्टेंस लगी होगी, सेम वैल्यू की तीनों पर रेजिस्टेंस होना चाहिए, सेम वोल्टेज यहाँ होना चाहिए हाई साइड के, ठीक है जी। इसके बाद यही जो इनपुट हुए हैं पिन नंबर 3, 4, 5 पे इनपुट है हाई साइड का, इसका आउटपुट ये आईसी करेगी। और आउटपुट के लिए इसमें जो पिन यूज़ में लाई जाएगी, वो पिन नंबर होगी इसकी नंबर 19, आप 19 देखें, 19 पर। इसके बाद पिन नंबर 23, 23 पर, और पिन नंबर 27 पर। ये तीन पिन होती हैं हाई साइड की, यानी कि इन तीन से जो ड्राइव आउट होगी वो आईजीबीटी जो हाई साइड में लगे हैं उनके गेट पर जाएगी, ठीक। इसके बाद इस आईसी की लो साइड की पिन होती है पिन नंबर 5, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7। यहाँ पर भी 3 रेजिस्टेंस लगी मिलेंगी सेम वैल्यू की, और ये सीपीयू से कनेक्टेड रहेंगी, यानी कि सीपीयू की तरफ से यहाँ पर लो साइड का सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को ये आईसी आउट करेगी पिन नंबर 14, 15 और 16 से, जो लो साइड के गेट ड्राइव को चलाने के लिए काम आएंगी। तो एक तरह से मीडिएटर है आईजीबीटी के और एमसीयू के बीच में, मीडिएटर का रोल अदा करती है, 15 वोल्ट सप्लाई पे जो ऑपरेट होती है। और अगर इस आईसी में, आईजीबीटी सेक्शन में कोई
कोई आईजीबीटी शॉर्ट है या कोई प्रॉब्लम है, तो ये आईसी एमसीयू को इंफॉर्मेशन देती है कि भाई शॉर्टिंग है इधर। इसकी एक पिन होती है पिन नंबर 8, इसकी पिन नंबर 8 होती है जो फॉल्ट आउटपुट की पिन होती है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन सीपीयू को बताती है कि भाई इधर प्रॉब्लम है। और जो इस पर वोल्टेज रहते हैं पिन नंबर 8 पर या 3 वोल्ट हैं, तो वोल्टेज जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं अगर सेक्शन में प्रॉब्लम है, जिससे क्या है एमसीयू को पता चल जाता है कि जो आईजीबीटी का सेक्शन है, जो कंप्रेसर का सेक्शन है, तो वहाँ पर फॉल्ट है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का सेक्शन बना होता है। हमें उम्मीद है ये बात आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। जो भाई एडमिशन लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं, बोर्ड रिपेयर कराना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं, बहुत रीज़नेबल फीस है हमारी रिपेयरिंग की भी, और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं इसकी। किसी दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी। बस आज का टॉपिक यहीं तक, थैंक यू सो मच।